हैंड डालेंगे माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी इसके बाद लिखेंगे जेटेरस जेंसन से लेकर जाएंगे पैरा एंड ओरा 3x to 9x। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, नीचे पर आप आएंगे यहाँ पर मैंने अपना पेन रखा हुआ है। देर आर टू पैरामीटर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन देखिएगा, हेडिंग आएगी मैग्नीफिकेशन की, द एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन बाय अ कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर्स तक, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन की हेडिंग आएगी, इसको लिखेंगे द रेजोल्यूशन से लेकर थर्ड लाइन पर सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। पेज नंबर 53 पर बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1। यहाँ तक डेफिनेशन है रेजोल्यूशन की, ठीक है। इसके बाद देन इसके बाद पेज नंबर 61 पर आपने हेड डालनी है डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल एंड प्लांट सेल की जो है वो आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, तो इसी तरीके से यहाँ बुक में है 5 यहाँ पर तो है वैसे 6 to 7 जो है वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ 5 करेंगे। 6 डिफरेंसेस हैं लेकिन आपको कितने हैं, सिर्फ 5 करने। तो एक ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों डिफरेंसेस आपको कर लेना है, ठीक है। ये नीचे वाले दो नहीं करने, तो 5 डिफरेंसेस लिखेंगे आप एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के बिटवीन। यही आपका वर्क है, इसको आपको याद भी करना है, यही आपका होमवर्क भी, रजिस्टर में देखिए सब वर्क कीजिएगा समझ के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की जो मेरी बात हुई थी आपकी क्लास में, चैप्टर नंबर 2 के रीजनिंग क्वेश्चन और 3 के रीजनिंग क्वेश्चन, वो मैं हैंड आउट अपना खुद बनाऊंगी, ठीक है, अपनी ऑन राइटिंग पर, तो वो आप देख लीजिएगा, उसका इमेज भेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।